हेलो एवरीवन गाइस, मैं आयान फाइव स्टार आज़ादपुर चैनल से। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज 12 नवंबर आ गया है 2021 में, और इसके साथ साथ जो आज हमारे पास नारियल है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु नारियल की जो आज पोजीशन है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज ये फड़ हम बहुत पुराने हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे से हम सब इन फड़ों को जानते हैं, और फड़ों के साथ में जो आज हमें रेट बताने वाले हैं तो प्रधान सर के प्लीज़ बताने वाले हैं, जो कि साहब हैं हमारे। जी सर, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम बता दीजिए। हाजी मोहम्मद यूनुस। जी यूनुस साहब, अपने जो फर्म का नाम है वो क्या है? सहारनपुर में मोहम्मद असलम एंडसन एमएस। ओके, सहारनपुर से आए आप। जी तो अपने पास जो आज नारियल दिल्ली का रेट है वो क्या है? ये है 30 रुपए से लेके 35 रुपए। एक नंबर। और दो नंबर 30 रुपए 28 रुपए। 30 रुपए 28 रुपए, यानी कि 25 रुपए से 28 रुपए के बीच में। ठीक है, यदि कोई व्यापारी अपना माल आपके पास लगाना चाहे तो लगा सकता है? लगा सकते हैं। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर बोल दीजिए। 910-50-72-212। ठीक है, ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। यदि कोई भी व्यापारी अपना माल लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। गाइस, आज लोड मचा लो, क्योंकि आज नारियल मार्केट का रेट बहुत ज़्यादा डाउन है। 35 रुपये में आपको 35 रुपये का आपको नारियल मिल रहा है। अगर 35 रुपये का मिल रहा है तो आप उसको अच्छे से स्टॉक में ले भी सकते हैं, और आपका माल आगे फ्यूचर में मतलब काम आने वाला है, क्योंकि एक दो दिन में फिर से रेट बढ़ जाते हैं। आप सभी जानते हैं रेट घटते बढ़ते रहते हैं। तो गाइस, नंबर पे ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें, ज़्यादा संपर्क करें। जैसे कि मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पे आप बोर्ड देख रहे हैं, इस पे आपको एड्रेस भी मिलेगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सर। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। रेट तो सर ने बता दिया आपके क्लीज ने, लेकिन आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 93128 जी 33 जी 267। ठीक है, थैंक यू सर रेट बताने के लिए। आज का जो रेट रहा है वैसे वो भी वो बता चुके हैं सारी चीज़ें। सर आज आवक कितनी है गाड़ियों की? गाड़ियाँ ज़्यादा है। आज कितनी है? आज कम से कम 50 गाड़ी है। 20 कल की पहले 20 कल की 70 गाड़ी होगी। और इसमें सारा बेंगलुरु है या गुजराती पुलोची? सब बेंगलुरु। धन्यवाद सर। तो गाइज, ये जो अभी रेट आपको उस नंबर दिया, इस नंबर पे आप इस जगह दिल्ली का रेट जो बताया आपको 35 रुपये, इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो एवरीवन गाइज, मैं आ चुका हूँ सेब की मार्केट में, और सेब मार्केट में जो आप ये सेब देख रहे हैं वो कहाँ का क्या रेट है कैसा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो आज हमें बताने वाले हैं हमारे जाने माने इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से भाई? जी, मेरा नाम इरफान है। जी, हमारी फर्म का नाम है अरीफ फ्रूट ट्रेडर्स। जी, 2722 सब्जी मंडी आज़ादपुर। जी ठीक है, जो आज अपने पास सेब रहा है वो कहाँ का और क्या रेट है? जैसे कि हम सब जानते हैं माल बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आया है, शुपियान से आता है मेरे पास, शुपियान का ही सेब आता है। गाइस, मैं आपको बता दूं, शुपियान का वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में फेमस है शुपियान का सेब, और उस सेब की क्वालिटी वाकई भी बहुत लजीज होती है, टेस्ट भी उसका बहुत अच्छा होता है। वो देखने में इतना सुंदर होता है कि इंसान को अंदर से खाने की उसकी इच्छा जागती है, आप देख सकते हैं उसकी खासियत। और फिर यहाँ पे जो बेचने वाले लोगों का व्यवहार इतना अच्छा है कि आदमी खुद से यहाँ पे आता है और लेकर के जाता है। यहाँ से अब तक ये माल बेच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, मैं माल सारा बेच चुका हूँ, लेकिन आप थोड़ा लेट हो गए जी, तो इसलिए मैंने आपको खुल के माल दिखाया है। ये 1200 रुपये बिका है, 4 लेयर और 5 लेयर दोनों 1200 रुपये। 1200 रुपये और वजन इसका है 20 किलो पूरा। 20 किलो पूरा, व्यापारी ने पूरा वजन जो है ठोक के भर रखा है इसके। ये बात हकीकत है जो सर ने यहाँ पे बोला है अभी, जैसे कि तो पूरी वेट की जो है इसमें यहाँ पे तराजू के साथ में तोल के सारी पूरी संतुष्टि के साथ में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये जो आप व्यापारी जो चेहरा आप देख रहे हैं, कोई नाम का नहीं, बहुत ही काम का चेहरा है, और उस चेहरे की पहचान आप सभी कर सकते हैं इनों के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। और सर आज अमेरिकन का क्या रेट है? अमेरिकन का 550-550 रुपये डब्बा है। अमेरिकन की थोड़ी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि अराइवल कम है, मार्केट में कम होने की वजह से अमेरिकन की डिमांड भरपूर है, और छठ पूजा वगैरह की वजह से बाजार में जो हल्के माल है जी वो समझो 600 रुपए से लेके 900-950-1000 रुपए तक बिक रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल है उनमें कोई गिरावट नहीं है। ठीक है सर, क्वालिटी में मतलब क्वालिटी है तो प्रोडक्ट का हैवी होना तो जरूरी है, मतलब बिल्कुल जो माल रेट हाई है उसमें कोई गिरावट नहीं है। वीआईपी जो हल्के माल है उनमें 50-100 रुपए की गिरावट है। ठीक है सर, और इसके अलावा डिलीशियस जो शुपियान का नहीं अदर जगह का है, कश्मीर का सोपुर का माल वो मेरे पास नहीं आता। हाँ, मेरे पास शुपियान का ही सेब आते हैं। हाँ जी, बाकी जो सोपुर के माल है वो भी 600 रुपए से लेके 850-850-900 रुपए तक बिक रहा है। तो सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9891-95701। ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है। मैं आपको बता दूँ, आपको मार्केट भी दिखाता हुआ चलता हूँ, ये सेब मार्केट है, और इस कॉन्टेक्ट नंबर पर जो आपको नंबर को प्रोवाइड किया गया है, इस नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा थोक के व्यापारी संपर्क करेंगे खरीदने के लिए। फुटकर व्यापारी यहाँ पे संपर्क ना करें, क्योंकि ये दिल्ली आज़ादपुर मंडी का रेट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का, उसमें फुटकर का कोई भी यहाँ पे कार्य नहीं होता है, ओनली थोक में काम होता है। और थोक के अलावा
इसमें अगर कोई भी व्यापारी अपना माल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हेलो गाइज, मैं ना आपको आज एक इम्पोर्टेंट फ्रूट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं फ्रूट, देखने में इसका बहुत स्पेशल लुक आ रहा है, और स्पेशल लुक की जो खासियत है इसका जो नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये कहाँ का है, क्या रेट है, और यहाँ पे जो व्यापारी है इसे कौन सप्लाई यहाँ पे कर रहा है, तो उन सबसे मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ। वो सारी टीम आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप माल किस तरीके से एकदम A1 जैनवर, बहुत ही ऑनरी। और मैं जो आपके लिए फ्रूट्स वगैरह जो भी मतलब प्रोडक्ट लाता हूँ वो बहुत ही A1 क्वालिटी का और बहुत ही अच्छे आरती के साथ में आपका मिलवा करवाता हूँ। तो जो आज मैं बताने वाले हमारे सर बताने वाले, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? फाइन, बहुत बढ़िया। ओके सर, अपने पास जो आज सेब है ये कहाँ का और क्या रेट है? ये टर्की का सेब है जी, और ये बिक रहा है जी 2100 से लेके 2400-2500 रुपए। 2100 रुपए से लेके 2400-2400 रुपए तक की इसकी पर पेटी का वजन कितना होगा सर इसमें? वेट इसमें 20 kg पेटी में, बाकी जो माल है 18 kg। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेटी का जो लुक है वो भी बहुत साफ सुथरा, बहुत ही यानी कि इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट के तरीके से इसको रखा गया है, बहुत संभाल के, बहुत ही सहज के। और उसके साथ साथ सर ये वाला माल सिर्फ आप ही के पास है, आपके अलावा भी किसी और के पास है? और भी है, और भी है। कितनी गाड़ियों की आवक होगी आज? सिर्फ 3-4 गाड़ियाँ, 3-4 गाड़ी इम्पोर्टेंट की। आप इम्पोर्टेंट का ही वर्क करते हैं? हाँ जी। तो आप उसके लिए आपका कौन कौन से प्रोडक्ट आप सेल करते हैं? कीवी है, एप्पल है। कीवी का आज क्या रेट होगा? कीवी आज 1300-1400 रुपए क्रेट, 1300-1400 रुपए की क्रेट है। उसमें कितने दाने वगैरह की वेट होता है? क्रेट का हिसाब है, उसमें फिर आगे बनती है ट्रेस वगैरह। जी हाँ, अच्छा उसमें जो छोटे 30 दाना 22 दाना से बनता है, 27 दाना 33 दाना वो सब उसमें से बनता है। ठीक, तो सर अपने पास ये अपना ऑफिस का एड्रेस एक बार बोल दीजिए। ऑफिस D4 Delhi D1364 न्यू सब्जी मंडी जालपुर। आपका कांटेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9811101012। ये सर का कांटेक्ट नंबर है, यदि किसी भी व्यापारी को या किसी भी आदमी को थोक में ये सामान खरीदने की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ यहाँ पे संपर्क कर सकता है। यदि फुटकर वाले यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे और ओनली होलसेल का काम होता है तो होलसेल रेट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको एक दो पेटी नहीं बल्कि 10-12 पेटी मिनिमम आपको लेनी होगी, 150 डब्बे से कम नहीं मिलता है। और इसके अलावा जैसे कीवी का भी रेट आपको मालूम चल गया, तो इसके अलावा जो भी व्यापारी यहाँ पे अपना माल लगाना चाहे ऑनरी या कीवी वगैरह जो भी, वो यहाँ पे संपर्क करें। यदि कोई व्यापारी इस माल को खरीदना चाहता हो खरीदने के लिए संपर्क कर सकता है। थैंक यू एवरीवन, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये सब खरीदार है, तो थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू सर जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से हैं सर? मैं मुंबई से। मुंबई से यहाँ पे माल खरीदने के लिए? अच्छा, माल बेचने के लिए आया, तो आप यहाँ पे सेल आउट करते हैं सर के थ्रू, सर की आड़त पे अपना माल लगवाते हैं? आपका पूरा नाम बता दीजिए और अपनी फर्म का नाम। बशर। बशर भाई, बशर भाई अपनी फर्म का नाम बता दीजिए प्लीज। हाई बिजनेस फैजल। इससे बढ़िया अनार मंडी में नहीं है किसी का मास्क। सच बात है। एक एक दाना बढ़िया, एक एक दाना बढ़िया। ये तोहफे आगे भाई, तोहफे तोहफे। हेलो एवरीवन गाइस, मैं आ चुका हूँ संतरा मार्केट, और संतरा मार्केट में जो आप संतरा देख रहे हैं ये संतरा कहाँ का है और किस पोजीशन पे है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ ये कहाँ का और किसका है। तो एक सर हमारे सदस्य साथ में है, तो सदस्य जो आज बताने वाले हैं। हेलो सर, एमकेसी से बढ़िया संतरा नहीं है सर। इधर इधर देखते हुए सर, सर आपका शुभ नाम बता दीजिए पहले। एम की मेंदर नाम है मेरा जी। आप कहाँ से है? पानीपत से जी। आप यहाँ पे संतरा खरीदने के लिए आए एमकेसी पे? एमकेसी से बढ़िया संतरा नहीं है किसी का भी। फेवरेट संतरा, फेवरेट संतरा। क्वालिटी के साथ में जो इनों का रेट है 1400-1500। अच्छा, तो सर रेट भी इनों के मतलब वैसे ही जाते हैं क्वालिटी के अकॉर्डिंग या थोड़ा डाउन में मिलते हैं? नहीं डाउन नहीं है, वही रेट है, 50 रुपए का फर्क है बस जी। तो उसी के हिसाब से आपको क्वालिटी मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का रेट बताने के लिए। आप चलते हैं अपने किसी साहब के पास में। सर आपका नाम तो हम सब जान चुके हैं, एक बार फिर भी बता दीजिए आपका शुभ नाम और अपनी फर्म का नाम। एमकेसी एग्रो प्रेस जी। और अपने पास जो संतरा है कहाँ का और क्या क्या रेट है सर? ये संतरा बरूड का है जी,
रेट जो है आज थोड़ा डाउन है जी। 1100 रुपये एक रेट बिक रही है। 1100 141 दाना। तो गाइज 1100 रुपये की क्रेट है यहाँ से मार्केट से आपको 141 दाना, उसके बाद में 191 171 दाना सर। 171 दाना भी 900 800 यानी कि जैसे जैसे आपका रेट बढ़ता है उसी तरीके से आपकी जो पोजीशन है मटेरियल की, यानी कि 171 दाना आपका 800 साढ़े 800 ठीक ठाक है। डीजल के रेटों में कमी आने से माल की जो अराइवल बढ़ गई है जी, उससे जो है मार्केट थोड़ी स्लो हो गई है। थोड़ी लोगों को खाने को अच्छे संतरे मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ में अच्छे संतरे मिलने लगे हैं आप, क्योंकि जैसे वेदर चेंज हो रहा है जी। हम किसी से मीठे संतरे नहीं है किसी के। बहुत बहुत धन्यवाद सर हम किसी के बारे में बताने के लिए। और सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9810784421 ठीक है। और आज जो 205 का दाना रहा है सबसे छोटा वाला वो क्या रेट रहा है लास्ट? 400 रुपये का। 400 रुपये की पर क्रेट, जिसमें 25 किलो का क्रेट होता है उसमें 22-23 किलो माल निकल जाता है राइट सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका रेट बताने के लिए। यहाँ पे ये सारे कार्यकर्ता हैं सभी, और इन कार्यकर्ताओं के साथ साथ मैं आपको बता दूँ यही आपको अच्छे से अच्छा माल ग्रेड करके देते हैं, यानी कि अच्छे से अच्छा माल छाट के देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी फास्टली वर्क करते हैं आप देखेंगे यहाँ पे ये जो भर रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पूरी टीम और यहाँ पे सब खरीदार हैं। धन्यवाद आपका आज वीडियो देखने के लिए और वीडियो चेक करें। एवरीवन गाइस मैं आ चुका हूँ मौसमी मार्केट, और मौसमी मार्केट में मौसमी के रेट बताने से पहले मैं उन भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो एवरी डे मुझे बोलते हैं मौसमी का रेट और मौसमी खाओ सेहत बनाओ। तो भैया तहे दिल से आपका शुक्रिया, आप वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे फॉलो भी कर रहा है और मुझे एक अच्छे गाइडलाइंस भी दे रहा है, तो उसके लिए थैंक यू। अगली वीडियो में आपका नाम भी बोलूँगा अगर आप परमिशन देंगे तो। और दूसरा जो आज मौसमी का रेट है मैं आपको बता दूँ, ये चूरा है ना, और ये भी चूरा है, ये एक नंबर है चूरा है। तो गाइस हम बताते हैं, ये एक नंबर है जो मौसमी का रेट है 42 रुपये, ये दो नंबर है जिसका रेट 39 से 40 रुपये, ये तीन नंबर है जो कि 35 से 36 रुपये है, ये चार नंबर है जो कि आपका रेट हो जाता है 30-32 रुपये, 28 रुपये तक की हम इसे बोल सकते हैं, और ये आपका 25-26 रुपये, ये 22 रुपये। तो आप देख सकते हैं इसमें पीला है तो 22 रुपये तक की पोजीशन है, मतलब इस तरीके से आज का जो मौसमी का रेट है वो मात्र 21-22 रुपये से लेके और 42 रुपये तक का है, 41-42 रुपये तक का। यहाँ पर ये सभी कार्यकर्ता हैं जो कि यहाँ पे कार्य करते हैं और आप सबके लिए ग्रेडिंग करते हैं, आप सबका माल भरते हैं और आपको एक अच्छे माल की पोजीशन पे माल पहुँचाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन गाइस आज का रेट जानने के लिए। बाबूजी नमस्कार, आप सभी को मेरा तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद गाइस। हेलो गाइस मैं आ चुका हूँ किन्नो मार्केट, और किन्नो मार्केट में जो आप ये किन्नो देख रहे हैं इसकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, और इसकी क्वालिटी के साथ साथ मैं आज आपको मिलवाने चलता हूँ। गुड ब्रो, गुड जॉब। तो आप सब देख सकते हैं ये किन्नू है, और किन्नू का जो आज हमें रेट पोजीशन बताने वाले हैं वो आज हमें बताएंगे हमारे सर। तो चलते हैं अपने सर के पास में, और ये हमारे सर हैं। सर आपका सुनाम बता दीजिए प्लीज़। नाम बता दीजिए आपकी। हेलो सर, आपका नाम? बाजी आपका नाम बता दीजिए जी। अपनी फर्म का नाम? अपने पास जो किन्नू है वो कहाँ का और क्या रेट है आज का? ये पंजाब का है। पंजाब का है, और क्या रेट होगा सर इसका? 14 रुपये किलो। 14 रुपये से लेके 14 रुपये किलो, यानी कि जैसी क्वालिटी उसके अकॉर्डिंग रेट है। सर बाबू जी रेट घट गया कल से? कल से रेट घट गया। आगे वैसे बढ़ने के चांसेस है घटने के? नहीं, अब ठंड हो गई है तो बराबर ही रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। बाबू जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9811-810013। आज कितना अरेवल है गाड़ियों का? 40 गाड़ी। किन्नू किन्नू की है? 40 गाड़ी माल्टा है, तो 80 हो गई। और मौसमी? 5-7 गाड़ी है। मौसमी दिन पे दिन घटता जा रहा है, माल्टा बढ़ता जा रहा है, इसका रीज़न कि मौसमी आगे से फसल कम होती जा रही है? अब नहीं आ जाएगी, थोड़ी नहीं आ जाएगी। कब तक आएगी नया वाला? अगले 15-20 दिन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी आज का रेट बताने के लिए, आज की पोजीशन। हेलो एवरीवन गाइस मैं आ चुका हूँ अमरूद मार्केट, यानी कि VNR की मार्केट में, अमरूद VNR, और VNR का जो आप प्राइस आपको बताया जाएगा आज, उसके साथ साथ जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत सर जो हमारे बीच बने रहते हैं हमेशा ऊपर वाला बनाए रखे, तो उन सर से बात करते हैं अभी, रेट पता करते हैं सर से। और सर कैसे हैं? बस ठीक है। तो जी आपका शुभ नाम और आपकी फर्म का नाम एक बार बोल दीजिए। फर्म का नाम आपने का जी? और फरमान मेरा नाम है। हाँ जी जी, ये अपने पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। हाँ जी, हमारे पास सोलापुर के किसान भाई है। अच्छा, हेलो सर, एक मिनट। नमस्ते जी, कैसे हैं सर? बस बढ़िया है जी।
और आप सोलापुर से? हाँ मैं इंदापुर से हूँ जी। इंदापुर से, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा शुभ नाम है नितिन डोंगरे। नितिन सर, हाँ जी सर, आप कौन सी फर्म में मतलब माल लगाते हैं? ये हमारी रियान फ्रूट के पास माल आता है हमारा भी जी। और हमारी फर्म का नाम है SSF। SSF ये गाइस देख सकते हैं, हाँ SSF है, रेड डायमंड है हमारा माल, बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक माल है। अच्छा, आपका ये सारा ऑर्गेनिक? पूरा ऑर्गेनिक माल है, एकदम शुगर फ्री, इसका हमारे पास सर्टिफिकेट भी है और बहुत बढ़िया माल है जी। और मैं कुछ मराठी में बोलना चाहूँगा। हाँ बोलिए ना। हा जो माल है ना, फार सुंदर खाण्यासाठी आहे, एकदम ऑर्गेनिक असल्यामुळे याचा शरीरावरती कोणताही इफेक्ट होत नाही, खाने के लिए बहुत टेस्टी है और सेहत के लिए बहुत टेस्टी है। थैंक यू सर मराठी सुनाने के लिए। और इतना मस्त माल है, और ये हमारे फरमान भाई है, हाँ जी। ये इस माल की एकदम पूरी बढ़िया कदर करते हैं और रेट भी बढ़िया मिलता है हमें यहाँ पे। आपको रेट भी बढ़िया मिलता है फरमान भाई के थ्रू, और आप फरमान सॉरी रियान ट्रेडर्स पे अपना माल भी लगाते हैं। मराठी हमारे जो इंदापुर के जो हमारे फार्मर है, बहुत बढ़िया फार्मिंग करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से माल बनाते हैं इसको जी। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस माल का अच्छा से अच्छा दाम किसानों को मिले जी, और पूरी हमारी कोशिश है कि अच्छा ग्राहकों को भी माल मिले। जो ग्राहकों के पास माल आए वो बहुत अच्छी उम्दा क्वालिटी के साथ साथ उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए इसे ऑर्गेनिक फार्मूले से तैयार किया गया है। और ये जो सर हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका नाम एक बार फिर से बताएं। नितिन सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो नितिन सर ने जो इतने अच्छे तरीके से बताया मराठी में भी और हिंदी में भी, हमारी खड़ी भाषा में भी बताया, तो उसका ध्यान रखते हुए गाइस इस फल को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अपना इसे शुगर फ्री भी खा सकता है ना सर? शुगर फ्री सर्टिफिकेट है शुगर फ्री, तो इसे शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, मतलब कोई इशू नहीं है, यानी कि इस फल का हर कोई जायजा ले सकता है। राइट सर? राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए, और अपने बारे में हमें बताने के लिए, और इस प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। और आपका जो फरमान भाई के साथ जुड़ा हुआ समय, वो कितना समय हो चुका है? अभी 2 महीने से हमारा मार्केट में माल आ रहा जी। वैसे पिछले सीजन में आपके पास? सीजन में हमें अभी स्टार्ट किया सर। अभी स्टार्ट किया, ठीक है। ये हमारे घर का माल है, हम अपना खुद मतलब इसकी फार्मिंग करते जी। इससे पहले क्या फार्मिंग करते थे? तो फिर इसके पहले हमारा जरबेरा है, नींबू है, अदरक है, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स, ठीक है। तो फरमान भाई के साथ जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा है? गाइस मैं आ चुका हूँ माल्टा की मार्केट में, और माल्टा मार्केट में जो आज हमें रेट बताने वाले हैं वो हमारे बाबूजी बताएंगे, और बाबूजी के पास चलते हैं। बाबूजी आपका शुभ नाम बता दीजिए। सोमनाथ खुराना जी। अपनी फर्म का नाम एक बार बोल दीजिए प्लीज। बीबीसी, ठीक है। सर अपने पास जो माल्टा है कहाँ का और क्या रेट है? पंजाब का। और आज की पोजीशन क्या रही है? आज की पोजीशन 15 से लेकर 32 रुपए तक, 15 रुपए से लेकर 32 रुपए तक। यानी कि गाइस 32 में जो आता है आपका एक नंबर और मीडियम। हाँ, एक नंबर में। एक नंबर आता है मीडियम, उसका आपका दो रुपए घट जाता है, यानी कि 30। हाँ। तीन नंबर आपका 25-26 रुपए है, और चार नंबर तीन नंबर है, कम से कम 28। तीन नंबर 28 रुपए है, और चार नंबर 24-25 का उसी। हाँ, चार नंबर, ठीक। उसके बाद 15 जो है वो बहुत ही पीला या दाब का, वैसा जो कचरा टाइप का, कचरा टाइप वो वाला है। तो आपको जो आज का रेट बताया गया बाबूजी ने बताया। बाबूजी अपना माल अगर कोई आपके पास लगाना चाहे तो लगा सकता है? हाँ बिल्कुल। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए। 84-592-99-888। धीरे बोलो, बोल दीजिए बाबूजी एक बार फिर से आराम से। 84-592-99-888 ये बाबूजी का कॉन्टेक्ट नंबर है। बाबूजी की आपको कितना समय हो गया यहाँ पे समय मतलब काम करते हुए? उम्र बीत गई मेरी, बुढ़ा हो गया। बाबूजी आज भी बुढ़े नहीं लग रहे हैं, आप काफी यंग है औरों के अकॉर्डिंग। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आज का रेट बताने के लिए। तो गाइस चलते हैं, मैं आपको माल की क्वालिटी दिखा देता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल राइट, थैंक्स यू बाबूजी। तो गाइस मैं आपको माल की क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये सब माल्टा है यहाँ पे, आप सब देख सकते हैं, और माल्टा की क्वालिटी का रेट भी आपको बता दिया था। और बाबूजी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, कार्य में व्यतीत रहते हैं के बावजूद आपको बहुत अच्छी क्वालिटी और सिचुएशन देते हैं। तो धन्यवाद गाइस, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें। जो मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइव के टाइप से दिखाता हूँ, एकदम लाइव, एकदम एक्चुअल, तो उसको एक्चुअलिटी आप समझें। इसमें जो आपको रेट बताया जाता है प्लस माइनस होता है, तो हम भी जानते हैं मंडी में मार्केट में जब भी हम निकलते हैं फिक्स प्राइस हमें नहीं मिलता है, फिक्स प्राइस की पोजीशन पर नहीं, बल्कि हम एज अ डिपेंडेंट ऑफ द क्वालिटी पर रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब आप सबसे यही है कि जब आप माल खरीदने के लिए आते हैं इसमें आपको अप डाउन हो जाता है, आप आके खुद संपर्क करेंगे या फ़ोन पे जैसा भी कोऑर्डिनेट करेंगे उसमें आपका माल के अकॉर्डिंग वैल्यू लग जाती है। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड फुटकर व्यापारी यहाँ पे संपर्क ना करें, कृपया करके यहाँ थोक का आपको भाव दिया जाता है, थोक का ही आप यहाँ पे संपर्क करेंगे। थैंक यू। मैं आ चुका हूँ अमरूद मार्केट में। गाइस मैं आ चुका हूँ अमरूद मार्केट में, और अमरूद मार्केट का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फल, ये रुद्रपुर का है, और रुद्रपुर का जो अमरूद है वो कहाँ का क्या रेट किस तरीके से पोजीशन है वो आज हमें बताने वाले हैं हमें हमारे यहाँ के सर। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज़। सलीम जी। अपनी फर्म का नाम क्या होगा? दिल्ली फ्रूट हाउस, ठीक है। और अपने पास जो ये अमरूद है रुद्रपुर की, जैसे फसल चल रही है और खत्म होने वाली है सर, रुद्रपुर की खत्म होने वाली है, कितने दिन और चलेगी? नहीं होगी, चलती तो ये फरवरी तक है। अच्छा, चलती फरवरी तक है, आनी यहाँ पे बंद हो जाएगी, इसके राजस्थान के सामने इसकी चार्जिंग नहीं होती। अच्छा,
तो ये राजस्थान बिकेगा। अब राजस्थान बिकेगा तो अपने पास राजस्थान कब से आना शुरू हो जाएगा? राजस्थान अभी एक हफ्ता है। एक हफ्ता तो अभी कल भी आई थी गाड़ी। अच्छा, लेकिन अभी एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता लगेगा। जो प्रॉपर यहाँ पे जैसे रुद्रपुर का था उस तरीके से राजस्थान का मेला लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर, आज की पोजीशन प्लीज बता दीजिए। L40 बिकी है 30 रुपये से लेके और 40 रुपये तक जी, और गोल्डन बिक रहा है 40 रुपये से लेके और 55 रुपये तक। ठीक है, और जो आज सबसे कम पोजीशन रही है वो किस कौन से माल की, क्या रेट की रही है? जो मीडियम माल है, मीडियम माल के तो रेट वही 30 रुपये से डाउन ही डाउन है। 30 रुपये से डाउन ही डाउन है। 20 रुपये 15 रुपये जैसा मतलब ग्राहक आए वैसा, जैसा माल हो उसके अकॉर्डिंग रेट लगा और दे दिए। आपका मालिक हम है जी। आपका कॉन्टैक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9311111 जी 5853। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज का रेट बताने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो गाइज मैं आपको मीडियम क्वालिटी भी दिखा देता हूँ साथ के साथ में, जैसे कि अभी मीडियम क्वालिटी उधर है। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से। गाइज मैं आ चुका हूँ अंगूर मार्केट में, और अंगूर मार्केट में जो आप अंगूर देख रहे हैं ये कहाँ का है, क्या है, कहाँ से है, तो हम आज हमें बताने वाले हमारे सर जो कि यहाँ के बहुत जाने माने बहुत अच्छे सर हैं। नमस्कार भाऊजी। नमस्कार, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज़। मेरा नाम प्रेमचंद यादव जी। अपनी फर्म का नाम क्या होगा भाऊजी? अपनी कंपनी का नाम जी। भाऊजी अपने को यहाँ पे काम करते हुए कितना समय हो चुका है? 55 साल। गाइस 55 साल पुराने सक्सेस से आप मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत आसानी से आपको मिल गया है। तो गाइस इस वीडियो को ज्यादा देखें, और सर आज जो अपने पास अंगूर है वो कहाँ का और क्या रेट है? नासिक का है सर, 5 किलो ज्यादा है 700 रुपए। 5 किलो का है 700 रुपए। 5 किलो यानी कि जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये 5 किलो का होता है, और इसके अंदर में ये 10 बॉक्स होते हैं 500 ग्राम की पैकिंग में। और इसका जो प्राइस बताया सर भाऊजी ने, आज 700 रुपये बताया सर भाऊजी। मिनिमम रेट क्या है? मिनिमम तो यही है, मिनिमम मैक्सिमम तो ऊपर है, मैक्सिमम इससे ऊपर है। ठीक है, मिनिमम 600 भी है, 700 से लास्ट है जी। और भाऊजी अपने पास काला अंगूर का क्या रेट होगा? काले का अंगूर आज रेट 1000-1100 के आसपास। ठीक है, तो भाऊजी यदि कोई व्यापारी अपना माल आपके पास लगाना चाहे तो लगा सकता है? लगा सकता है। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए। 9999 जी 117 जी 60301। ठीक है, शुक्रिया भाऊजी आज के बारे में रेट बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाऊजी। हाँ जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? एक बार इनकी मिलो। मोहरम का नाम है माँ भवानी फ्रूट एजेंसी जी। मोबाइल नंबर है 98411-40477। सर अपने पास जो अंगूर नासिक का, इसके अलावा भी अफगानिस्तान वगैरह का आना बंद हो जाएगा या आएगा आगे? अफगानिस्तान का माल नहीं चलेगा, ज्यादा स्मेल अभी यानी वो खत्म। अब जो चलेगा महाराष्ट्र का चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यदि गाइस ये जो आपको नंबर दिया गया है ये थोक के लिए दिया गया है, फुटकर के लिए कोई भी यहाँ पे संपर्क नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, गाइस मैं आ चुका हूँ सिंगाड़ा मार्केट। सिंगाड़ा मार्केट में जो आप सिंगाड़ा देख रहे हैं, सिंगाड़ा कोई नॉर्मल सिंगाड़ा नहीं बल्कि ईटा का सिंगाड़ा जो कि हम रोज़ देखते हैं। और इस रोज़ सिंगाड़ा को देखने वाले जो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज जो मटेरियल की पोजीशन है, दिन पे दिन त्यौहार जा चुके हैं तो माल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो चुकी है। वैसे सर्दी में सिंगाड़ा खाने का लुत्फ अलग ही होता है, ये सिंगाड़ा सर्दियों का फल होता है, और सर्दियों में जो हम फल देखते हैं या सर्दियों में जो सिंगाड़ा हम खरीदते हैं उससे हमें बहुत अच्छे प्रोटीन पौष्टिक आहार मिलते हैं। जिससे आज मैं आपको रेट बताने वाला हूँ आज़ादपुर मंडी का। तो आज़ादपुर मंडी में जो आज का रेट है वो मैं आपको बता दूँ, कोई नॉर्मल रेट नहीं, बिल्कुल सिंपल सा रेट हो गया, लेकिन रेट घट चुका है। तो आज का जो रेट है वो 400 से 450-600 रुपये तक की बोरी बिक गई है मार्केट के अंदर। आप चारों तरफ देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है, आवाज़ ज़्यादा हो चुकी है, ग्राहक की कम हो चुकी है, उसकी वजह से माल अभी तक रुका हुआ है। और माल रुकने के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा माल रुकने के बाद भी आपको जो रेट मिल रहा है वो सिर्फ 400 और 600 रुपये में पर बोरी, जिसका वजन 50 किलो से लेके 70 किलो की वजन में होती है। गाइस मैं आ चुका हूँ पपीता मार्केट, और पपीता जो आप ये देख रहे हैं ये पपीता कहाँ का, क्या रेट है, किस पोजीशन से, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको पपीता की खासियत से स्टार्ट करता हूँ जी। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नोट है, ये है जिगर की, जिगर के बल पर जीता है इंसान और जिगर का इलाज है पपीता। ओके सर, तो गाइज ये आप देख सकते हैं जिगर के ऊपर ही है पपीता, और पपीता का उस पर कॉन्टेक्ट नंबर भी, और इसके साथ साथ जो आज हमें बताने वाले हैं यहाँ की सक्सेस जो है काफ़ी पुराने सक्सेस है, तो आज मिलने चलते हैं। हेलो सर, कैसे हैं?
सर बढ़िया है, आप सुनाइए सर। आपका गुड नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम इकरामुद्दीन है जी। अपनी फर्म का नाम? आप मेरी फर्म का नाम बहजान एंड कंपनी जी। अपने पास जो पपीता है कहाँ का और क्या रेट? बैंगलोर का है सर। बैंगलोर का पपीता है। तो गाइस जैसे कि आप सब देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, ये पक्का पपीता है सर? जी सर पक्का पपीता, बढ़िया। इसका जो अभी रख सकते हैं एक दो दिन? दो दिन आराम से रुक सकता है, दो दिन रुक सकता है, तीन दिन रुक सकता है। तो इस पपीते का रेट खाने में बेस्ट है, बहुत बढ़िया है, अंदर से सारा लाल निकलता है, बेस्ट क्वालिटी का माल है। 120 रुपए किलो मंडी के अंदर करेटों में आ रहा था, वो माल बिक रहा है। अब ये लूज में आने लगा तो इसका रेट 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो का आज का रेट जी। सर अपने पास कच्चा पपीता भी होता है जैसे आगे रखा है? कच्चा पपीता भी है बिल्कुल जी। आपको जितना चाहिए कच्चा पपीता भी मिल जाएगा। क्या रेट रहेगा कच्चे पपीते का? कच्चे पपीते का रेट है 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो का आज का। उसे कितने दिन में वो पक जाता है? तीन दिन से चार दिन तक पक जाता है। और से आगे कितने दिन तक और रख सकते हैं? आज 8 दिन तक रख सकते हो। आज पपीतों की गाड़ियों की आवक कितनी रही होगी? आज अब पपीतों की गाड़ी 15 थी। 15 थी जी। आपका यदि कोई व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहिए लगा सकता है? हाँ लगा सकता है, कोई बात नहीं है, किसी के पास भी लाकर अपना बिक्री पर ला सकता है माल जी। आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए उसके लिए। 9927759776। ये सर का नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ से खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। सर अभी ना आपकी जुबानी से वो जो आपने लिखा हुआ बोला था कि इसकी वीडियो बनी चाहिए, वो आपकी जुबानी से सुनना चाहते सर। जिगर से पपीता जीता है इंसान, और इंसान का जो जिगर है, जिगर के लिए है इलाज जो है पपीता है। अगर जिगर खराब होगा तो इंसान खराब हो गया। पपीता खाओगे तो जिगर मजबूत रहेगा तो इंसान भी मजबूत रहेगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको पपीते की अच्छी क्वालिटी दिखाने के बाद वीडियो को ऑफ करते हैं। आप खरीदार हैं सर जी? आपका शुभ नाम बता दीजिए। रही सुदीन। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। अच्छा, तो कितने सालों से आप इकरामु भाई के साथ हैं? 35 साल। 5 साल? 35। 35 साल से आप एक साथ कोऑर्डिनेट करें, कैसा रिवर्ट रहता है सर के साथ में? बहुत बढ़िया रहता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। तो गाइस मैं आपको पहले पपीते की क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं आप इधर, ये पास पीला कच्चा पपीता, कच्चे पपीते के साथ में जो आगे गाड़ी उतरती है वो पीछे की साइड में उतरती है, वहाँ से यहाँ पे लेबर। क्या रेट बताया सर उस वाले का? ये जो आगे वाला था वो लगा लो आप 750 के करीब बिकेगा। 750, ठीक। और सर अपने पास जैसे आपने बताया महाराष्ट्र का, ये एमपी का प्याज, एमपी का सॉरी, हाँ जी 900,000 रुपया बिक रहा है। 900,000 रुपये पर बोरी जो वहाँ 40 किलो का, 40 किलो का, ठीक है। तो सर आज जो पोजीशन है वो यही रही है। आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9953 जी 210071, ठीक है। सर आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे वर्किंग करते हुए? मेरे को कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, उससे पहले डैडी भी करते थे, यानी कि आप समझ सकते हैं 20 साल से अगर कोई व्यापार कर रहा है और एक ही जगह एक ही ठेले पे कर रहा है तो वो मामूली बात नहीं, यानी कि उसमें सक्सेस है। इसीलिए मैं आपको एक अच्छे आर्थिक और कॉन्टेक्ट भी दिलाया है। और सर आपके यहाँ पे जो ये माल है वो किसान के थ्रू आता है? हाँ जी। तो आज प्लीज अपने किसी किसान से आप हमसे संपर्क कराएं। हमारे पास देखो किसान आए हुए हैं, सब किसान ये सब किसान भाई है। गाइस आपका नाम बता दीजिए भाई। नाम धीरज है। धीरज जी, धीरज जी आप कहाँ से? जी तिजारा से। तिजारा से जो आप माल लेकर आए हैं इसमें आपको कैसा प्रॉफिट चल रहा है आज का? कुछ नहीं, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है, नुकसान की वजह सर? नुकसान गलान फसल खराब हो गई है। बीघा में 60-70 कट्टे निकले थे, उसमें 10 ही कट्टे निकल रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका आपकी साइड पे आपके हैंड पे हो रहा है? आजादपुर मंडी भी रोग आया है। अच्छा, बहुत टूटा जा रहा है उसमें, ठीक है। और आजादपुर मंडी के अंदर आने के बाद आपको कोई नुकसान हुआ है? आपकी जो फसल आप लेकर आए हैं उसका जो आपका रेट है वो वही रेट मिला? नुकसान ही नुकसान है, कुछ नहीं बच रहा सर। जैसे कि रेट नहीं है, आपके रेट है, कुछ भी नहीं है। 600-700 किराया, 100 रुपया कट्टा का किराया, और कट्टे जो खरीद के ला रहे हैं उसका 50 रुपये कट्टा आ रहा है, और वो भरने की कटाई के लगाने के लिए 50,000 रुपया खर्चा आया, बिक रही है 10,000 करने के, कुछ नहीं हो रहा। 10,000 रुपये कुल बिक रही है, तो उसमें 4,000 का खर्चा आया, 10,000 में बिक रही है वो क्या? गाइस मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एक किसान जो हमारे लिए एक फसल उगाता है वो अपनी मेहनत के साथ साथ सब हम एक दूसरे से जुड़े हैं, हम सब चैन के थ्रू काम करते हैं। किसान हमें खाने के लिए उपजाऊ जमीन, अपनी जमीन का इस्तेमाल करके हमारे लिए खाने का प्रबंध करता है। तो वही हम और जो मतलब और पॉपुलेशन और प्रोफेशन है
एक इंजीनियर उसको अच्छे से सिंचाई के लिए एक मशीन बनाता है, एक डॉक्टर उसका ख्याल रखने के लिए उसकी डॉक्टरी यानी कि उसके स्वास्थ्य के लिए तैयार करता है। तो हम सब एक चैन के थ्रू जुड़े हैं और बिल्कुल सेम उसी तरीके से यहाँ जो हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं उनको जो ये नुकसान हो रहा है तो उसके लिए बहुत मुझे अफसोस है। ये किसान जो होते हैं हम वाकई बहुत सीधे और सज्जन आदमी होते हैं, आप इनके चेहरे से भी मुताबिक कर सकते हैं कि कितना सादगी होती है और उसके सादगी के साथ में ये अपना कार्य अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हुए इनका प्राइज़ इन्हें नहीं मिलता तो अफसोस है। गाइस हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे ऊपर वाले से सभी के ऊपर वाला सारे जो भी प्रॉब्लम जो भी परेशानी आपके सबके। हेलो गाइस मैं आ चुका हूँ सीताफल, एक कमेंट आया था सीताफल का मुझे बताना है, गोल्डन सीताफल। तो जो आज सीताफल पूरी आज़ादपुर मंडी के अंदर जो यहाँ पे किंग कहलाते हैं सीताफल किंग या कद्दू किंग या जो भी जितना भी सीताफल मिलता है तो इनों से ज़्यादा और इनों से बेहतर क्वालिटी में किसी के पास नहीं मिलता है। सबसे ज़्यादा सीताफल इसी दुकान पे होता है, इसी दुकान की जो शख्स हैं उन शख्स से मैं आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ, जो आज के हमें रेट भी बताएंगे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी और जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी मैं आपको कम्प्लीट फिल करा देता हूँ। तो मिलने चलते हैं अपने सर से। सर नमस्कार। सर नमस्ते जी, आपका शुभ नाम बता दीजिए। सर सुरेंद्र कुमार, पिंटू ट्रेडर्स जी। ये जो सर अपनी फर्म का नाम बता दीजिए, पिंटू ट्रेडर्स 326 जी। सर अपने पास जो ये कद्दू का काम है कितने सालों से चल रहा है? 40 साल। गाइज आइडिया लगा सकते हैं 40 सालों से हम यहाँ पे कद्दू के जो सीताफल है उसकी व्यापारी सर के पास में है। सर आज जो पीला ये जो शरीफा है ये वाला ये क्या रेट है सामने, इसे कौन सा शरीफा कहते हैं? 7 रुपए किलो जी। सब्जी वाला पेठा, सब्जी वाला पेठा पंपिंग जी, पंपिंग जो येलो पंपिंग है उसे 7 रुपए किलो बढ़िया से बढ़िया। और सर डाउन में अगर जाएंगे तो डाउन में 4 रुपए किलो, डाउन में 4 से 7 रुपए किलो का है आज का रेट। पीछे वो कच्चा पेठा रखा हुआ है सर, वो है मिठाई वाला जी, उसका भी रेट बता दें। मिठाई वाला है 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो ओके। और आज जो अपने पास सीताफल वो कितने तरीके से है, एक तो मिठाई वाला, तो ये मिठाई वाला और एक ये सब्जी वाला, इसके अलावा सर ये भी तो रखा है गोल्ड? नहीं ये नहीं है, सब सेम है, उसमें से ग्रेडिंग होके मतलब निकाल दिया जाता है। बाकी जो वैसे सर सीताफल जो अपने पास आता है कितने तरीकों का आता है? तरीका बहुत आता है, कलकत्ते का चलने वाला है जी। और ये कहाँ का सर? ये यूपी कानपुर। ये यूपी का सर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए। 9811 जी 579916। तो गाइज ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे लगाना चाहे थोक में तो लगा सकता है मतलब इकट्ठा, और यदि कोई खरीदना चाहे तो खरीद भी सकता है, वो भी थोक में ही खरीदेगा, यहाँ पे फुटकर का कोई भी कार्य नहीं है। तो कृपया करके इस नंबर जो आपको मिला इस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं बनाएगा, इस पर सिर्फ थोक के व्यापारी संपर्क करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबका जो आपने कमेंट दिया था वो मैंने फिल कर दिया, यदि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट रह गई अधूरी या जो भी आपको स्नैक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सर।